क्या आप कर रहे हैं बाइनमो पर ट्रेडिंग और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेड कहाँ प्लेस करना है या अप के लिए प्लेस करना है या डाउन के लिए प्लेस करना है और कैसे प्लेस करना है अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा आप बहुत दिन से बाइनमो यूज़ कर रहे हैं मगर तो आपका ज़्यादातर ट्रेड जो है वो लॉस हो जाता है जी हाँ अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है क्योंकि इसमें मैं बताऊँगा कि ट्रेड कहाँ पर प्लेस करना है और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में किस तरीके से हम विन करेंगे और कैसे एनालाइज करके हमें ट्रेड प्लेस करना है कि हमारा जो लॉस वो हो ही नहीं ठीक है अगर आप भी चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट हो आप अपना जो है ना लॉस परसेंटेज एकदम ना के बराबर करना चाहते हैं और हर ट्रेड आप विन करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए देखिए और चलिए ये वाली वीडियो हम इसे शुरू करते हैं तो दोस्तों हम आगे हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पे लाइव चार्ट देख सकते हो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे चार्ट टाइप ये चार्ट टाइप अभी माउंटेन पे बना हुआ है तो अगर आप बिगनर्स है तो आपको ऐसा ही अगर न्यू न्यू आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा ही चार्ट देखेगा तो इस चार्ट को मैं सबसे पहले एडजस्ट कर लेंगे तो हम चार्ट टाइप में जाएंगे और चार्ट टाइप में माउंटेन्स से हटा के हम इसे कैंडल्स पे कर लेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कैंडल्स पे कर ले तो कैंडल्स पे करने के बाद कुछ इस तरह से आपको चार्ट दिखेगा रेड एंड ग्रीन में ठीक है और हमारा जो टाइम फ्रेम होगा उसे हम वन मिनट पर कर लेंगे ठीक है आप पाँच मिनट में भी ट्रेड ले सकते हैं दो मिनट में भी ट्रेड ले सकते हैं मिनट पर भी लेकिन एक मिनट पर क्या होता है ना ज्यादा इंडिकेटर वर्क करता है ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी काम करता है और मैं ज्यादातर इस पर ट्रिक और बग्स ढूंढ के लाता हूं क्योंकि तो मैं खुद वन मिनट पर यूज करता हूं इसलिए मैं जो हमेशा वन मिनट पर ही आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इस पर मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया बताता रहूंगा वन मिनट स्ट्रेटेजी के ऊपर क्योंकि उस पर मैं बहुत खुद ही एनालाइज करता हूँ खुद भी ट्रेड लेता हूँ इसलिए यहां पर मुझे लगता है वन मिनट बेस्ट रहता है ठीक है बाइनमो पे और भी प्लेटफॉर्म में तो उसका अलग अलग होता है लेकिन वन मिनट पर बाइनमो बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है तो उसके लिए हम यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे हमारा एक इंडिकेटर जो हमारा होगा फ्रैक्टल बैंड। पे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फ्रैक्टल बैंड, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है इसका जो हमें सारा चीज़ जो है ना चेंज करेंगे ठीक है इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट रहता है ना वो सही नहीं रहता है तो इसका पीरियड हम कर लेंगे सेवन ठीक है और अगर इसका जो चैनल फिल है वो ऑफ रहेगा तो इसे हम ऑन कर लेंगे ठीक है ये बहुत ही ज़रूरी है मतलब तो फ्रैक्टल के और उसको जो है ना अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए चैनल फिल ऑन होना चाहिए उसके बाद इसे कर देंगे हम अप्लाई तो यहाँ स्क्रीन पर अप्लाई हो गया ठीक है इसको बताने से पहले मैं एक और अपना जो है ना एक इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ हमको जो अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है उसके लिए हम अपना जो कैंडल प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा हमारा ट्रेड विन में उसके लिए हम कर लेंगे हमारा चेंजेस करेंगे स्क्रीन पर आप देख रहे मेरा अभी आ गया है। जो फास्ट पीरियड होगा फास्ट पीरियड को हम लोग चेंज कर देंगे और फास्ट पीरियड को हम लोग कर लेंगे पंद्रह पे ठीक है तो यहाँ फास्ट पीरियड मैंने पंद्रह पे कर लिया और स्लो पीरियड को हम लोग कर लेंगे ट्वेंटी फाइव पे ठीक है और इसे कर देंगे हम लोग अप्लाई तो ठीक है इसे हम कर देते हैं अप्लाई यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा जो है एम भी अप्लाई हो चुका है ठीक है और हमारा एवरेजिंग करने के लिए ओवरऑल हमारा मार्केट ट्रेंड कौन सा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारा मूविंग एवरेज ठीक है मूविंग एवरेज का जो ये फील्ड होगा ना उसको फील्ड को हम क्लोज से कर लेंगे ओपन पे ठीक है और ऑफसेट को कर लेंगे वन पे और इसे कर देंगे हम अप्लाई ठीक है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ स्क्रीन पे हमारा आ गया है ये मूविंग एवरेज तो मैं आपको इन तीनों इंडिकेटर के बारे में पहले बता दूंगा कि इसे हम कैसे यूज़ करते हैं ठीक है ऐसे यूज़ करना कैसे इसके बेसिस पे हमें ट्रेंड कैसे लेना मार्केट को हमें ट्रेडिंग कैसे लेना तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप मार्केट जो है हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ठीक है मार्केट एकदम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे एग्जैक्ट वे में आप आपको दिख रहा होगा और फ्रैक्टल के ऑस भी देख रहे हैं फ्रैक्टल के ऑस उस उसी वो भी इसी तरीके से बना के जा रहा है और ये जो बीच से एकदम लाइन सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या रहता है हमारा एवरेजिंग लाइन या रेड कलर का जो लाइन है ठीक है और ये फ्रेक्टल क्या है तो मैं आपको अब सारे चीज का इंडिकेटर बताता है चलो कौन सा इंडिकेटर कैसे वर्क करता है आप मूविंग एवरेज तो समझ गए वो समझिए एवरेज ट्रेंड बताता है कि हमारा मार्केट का ट्रेंड कौन सा ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है ठीक है कि हमें का कि हमें हमें मूविंग एवरेज का मार्केट को वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इमेजनरी अगर एक लाइन बना लीजिए कि यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे से जो मार्केट है ये साइडवेज यहां से आप देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है तो ये इसका अगर प्राइस एक्शन आप देखें तो ओवरऑल ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रेट वे में हो गया ठीक है आप स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट भी हमारा स्ट्रेट हो गया है ठीक है अब डायरेक्ट अप आप से आपसे अपड डाउन बना रहा है अप एंड डाउन बना रहा ठीक है तो हमारा ट्रेड ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा वो उसके लिए होता है हमारा फ्रैक्टल कॉस तो आपको स्क्रीन पर बता दो फ्रैक्टल कॉस कैसे वर्क करता है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि ये ब्रेकआउट देने वाला फ्रैक्टल क्यस को यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये ब्रेकआउट देखे अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा मार्केट जो वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा और उसी तरह से आप यहाँ नीचे उसी के जस्ट नीचे आप देखिए एम नीचे दो डॉट ग्रीन का बनाया एक रेड का बनाया मतलब दो डॉट ग्रीन का जो

ऊपर की तरफ जा रहा और हमने प्राइस एक्शन से भी देखा कि हमारा जो मार्केट है वो ऑन एन एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब हम जो अभी ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं लेकिन ऊपर की तरफ ट्रेड भी लेंगे तो इसमें एक रिस्क होता है कि हमारा मार्केट हम ऊपर के लिए तो गया लेकिन मार्केट थोड़ी देर के लिए डाउन में आ गया ओवरऑल ऊपर तो जाता है लेकिन थोड़ी देर डाउन में आ जाता है लेकिन हमें उसको एनालाइज करना होता है कि हमारा मार्केट ऊपर कैसे जाएगा हम कहाँ पर ट्रेड प्लेस करें कि हम विन करेंगे ही करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने की बार बार कोशिश कर रहा है और हमारा सारा इंडिकेटर कह रहा है ऊपर की तरफ ट्रेड लेने तो मैं

फोन में ही मिलेगा ये पीसी में ही मिलता है ठीक है तो पीसी में ही अगर फोन में है तो आपको इमेजिनरी खुद से ड्रा करना होगा लेकिन पीसी में ये सुविधा मिलती है कि हम उसे ड्रा कर सके तो यहां पी में मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ मार्केट लाइन तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहां मार्केट जो हमारा ब्रेकआउट दे रहा है ठीक है तो ये मार्केट जो हमारा ब्रेकआउट दे रहा है तो आप देख रहे इसी बेसिस पर मैंने ऊपर की तरफ लिया यहाँ देख रहे एकदम प्राइज एक्शन देख रहे हैं नीचे ग्रीन लाइन को टच किया फिर एक बार और टच किया एवरेजिंग लाइन को उसका फिर ऊपर जाने की कोशिश किया तो उस बेसिस पर हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा हालांकि ये अभी टोटल टच नहीं किया लेकिन हमें यकीन है कि हमारा मार्केट ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएगा हो सकता कि हम नहीं भी करें लेकिन अभी तक हमारे हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है और देख रहे ये बूम दिख रहा होगा आपको पंद्रह हज़ार का मैंने ट्रेड लिया था और सत्ताईस हज़ार तीन सौ मैं जीत गया हूं मैंने जैसे जैसे बताया था आपको कैसे कैसे ट्रेड लेना प्राइस एक्शन एम फ्रैक्टल सी और मूविंग एवरेज के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया और मैंने कितने अच्छे तरीके से इसे विन कर लिया और हाँ एक और बात अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए वहाँ मैं नौ से दस हाई एक्यूरेसी वाले सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ अगर आपको लॉस हो रहा है अगर आप बिगनर्स आपको कुछ नहीं भी आता तो आप वहाँ पर जाके प्रॉफिट कर सकते सकते हैं अपना डेली का पॉकेट मनी अर्न कर सकते हैं आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ फीडबैक्स देख सकते हैं कि हमारे मेंबर्स अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इसी सिग्नल से ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक रुपया भी नहीं लग रहा है तो इसे जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा ये बेसिकली बिगनर्स के लिए मैंने बनाया था एक स्ट्रैटेजी जो बिगनर्स अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको एक स्टार्टअप मिले उनको अपना बाइनमो समझ में आए उसके लिए कि वो जो अपना ट्रेड लॉस करते थे वो लॉस ना करके विन में कवर अप करें उसके लिए कि ये स्ट्रेटी था उनको समझाने के लिए ये था कि हाँ आप बिगनर्स तो आप ऐसे स्टार्टअप कर सकते हैं और भी ऐसे ये स्ट्रैटेजी और भी बहुत सारे ट्रिक्स और भी बाइनमो के ऊपर बहुत सारी वीडियो आने वाली है तो आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ठीक है और अगर आपको इस बाईनमो के बारे में कुछ भी जानना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा अपने टेलीग्राम का वह मैं चौबीस घंटा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ आप जब भी मैसेज करेंगे मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा आपका कोई भी डाउट्स हो आप वहाँ पूछ सकते हैं तो गाइज आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर तब तक के लिए बाय